Hello my creative friends, I am Prangya with Rudra Mohanty and welcome to my channel. This time it's an easy DIY from the Popsicle Sticks. And it's very easy, and this time I'm going to tell you two different easy DIY. And a quick request, if you like my video then please subscribe, share and click on the notification bell icon so that you can get notification about my new uploads. So without wasting time, let's start. Guys, hame chahiye some popsicle sticks, bamboo skewers, फिर एक्रेलिक कलर और पेंटिंग ब्रश एंड ग्लू. तो फर्स्ट हम बर्ड हाउस का ये बेस बनाएंगे. इसके लिए मैंने ये सारे पेप्सिकल स्टिक को एक दूसरे के साथ स्टिक कर रही हूँ. अभी एक बार हमारा ये सारे बेस रेडी हो गए तो हम जो साइड के बॉर्डर्स है वो बनाएंगे. एक बार साइड का बॉर्डर्स स्टिक करने के बाद फिर हम ये बैम्बू स्क्वायर्स जो है इसको दोनों साइड में स्टिक करेंगे और एज ए पिलर यूज करेंगे. एक बार पिलर स्टिक होने के बाद हम ये पॉप्सिकल स्टिक्स को रूफ को कवर करने को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे मैं ये स्टिक्स को ऐसे ग्लू लगा के स्टिक कर रही हूँ. एक बार बैक साइड कवर होने के बाद फिर मैं यहाँ पे फ्रंट साइड को कवर कर रही हूँ. अभी हमारा ये बर्ड हाउस रेडी हो गया है तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है. अभी टाइम है ये बर्ड हाउस को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए. तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर से इसको पेंट कर रही हूँ. मैंने ब्लू कलर लिया है और आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं. अभी टाइम है सेकेंड DIY का. यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लिया है और ये पॉप्सिकल स्टिक को ऑलरेडी मैंने कलर कर दिया है और ये फ़ोटो के जो बॉर्डर है उधर मैं ये स्टिक लगा रही हूँ. फिर ये स्टिक्स के ऊपर मैं यहाँ पे ये काइट का पिक्चर बना रही हूँ. आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं. क्योंकि ये मेरी बेटी का फ़ोटो है तो मैं थोड़ा सा इसको फंकी बनाना चाहती हूँ.
Yes, it's done.